और देखते हैं क्या माहौल है बाहर का। अभी मेरी चप्पल इधर उधर खोली थी मैंने तो पता नहीं खा गई चप्पल 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 ढूंढ, ये रही चप्पल, चप्पल घास में पड़ी हुई थी और मैं सारी जगह ढूंढ लिया। वाह यार, तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आपको व्यू दिखा देता हूँ, काफ़ी शानदार हो रहा है क्योंकि नाइट का समय में काफ़ी लोग इधर विजिट करते हैं। हाईवे का टाइम है ना, हाईवे के लिए हाईवे है, हाईवे में काफ़ी लोग आते हैं इधर घूमने के लिए मतलब। तो अभी आज है बुधवार, बुधवार के दिन तो वैसे भीड़ होगी। ये तो व्यू देखो काफ़ी शानदार हो रहा है, ये है बालाजी का मंदिर, कुएं वाले बालाजी जो हाईवे के ऊपर है, NH 52 के ऊपर है। बिक्का जी देखो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट भी बना रखा है, लोग काफ़ी जैसे ट्रेवल्स बस आती है इधर तो वो भी इधर खाना वाना खाने के लिए रुक सकती है, रुकती है और उसके बाद में झूले वूले की अच्छी तरह से व्यवस्था कर रखी है इधर। आज बच्चे आए तो बच्चे झूल सकते हैं इधर, बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। और ये देख सकते हो बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए बाहर का गेट, काफ़ी अच्छा गेट बना रखा है, वैसे काफ़ी शानदार गेट है। बैठने की व्यवस्था बाहर की तरफ आपको चाय वाय की सुट्टा वुट्टा की सारी व्यवस्था मिल जाएगी, तो आप इधर आके सुट्टा वुट्टा भी मार सकते हो और तो बेड़े पी सकते हो, बेड़े तो वो भी पी सकते हो आप, और नारियल वारियल लेके आओ तो बाहर की तरफ आए इधर फोड़ के इधर रख सकते हो, सारे नारियल की व्यवस्था करा दी। और एकदम डेकोरेशन का सबसे बेस्ट तरीका ये है, इधर देखो लोगों को आकर्षित करने का तरीका ये है, इधर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रहे हैं। नंदी महाराज की जो है वो नंदी महाराज भी अपने को लाइव में जुड़ चुके हैं, नंदी महाराज और नंदी महाराज सब बढ़िया मज़े में। क्या भूख लग रही है क्या तुमको? अच्छा अच्छा भूख लग रही है, आ जाओ कुछ होटल पास में ही है कुछ खाओ तो आ जाओ। ये देखो कुआं बना रखा है इधर, कुएं में कुछ नहीं है और यहाँ पे देखो पानी निकालने के लिए एक लेडीज़ खड़ी हुई है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। झोपड़ी के भाग आज तो अंदर की तरफ चलते हैं, वो अंदर की तरफ काफ़ी अच्छा बजट चल रहा है तो थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद में चलते हैं तो आगे की तरफ और विजिट करता हूँ मैं। क्या रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हर चीज़ व्यवस्था मिलती है। और अपनी धनोरानी भी इधर खड़ी है, धनोरानी आप देख सकते हो इधर खड़ी है अपनी धनोरानी, और धनोरानी के लिए तो कुछ भी तैयार है। काफ़ी लोग आए हैं उधर देखो, बस बस भी रुकी हुई है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ रुकी हुई है दोनों तरफ आपको रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। तो खेसर भी आप रेस्टोरेंट खाना खा सकते हो, अगर आप जयपुर की साइड आओ तो उधर भी रेस्टोरेंट है, और सीकर की साइड आओ तो इधर भी रेस्टोरेंट है। बस देखो गाड़ियाँ मोटर का क्या शोर हो रखा है, चारों तरफ गाड़ियाँ मोड़ियाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है, अच्छी तरह से गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है। इधर देखो अपनी धनोरानी घड़ी है बालाजी महाराज की, जय हो। अब चलते हैं अंदर की तरफ, बहुत थोड़ी देर बालाजी महाराज के आसपास लगाते हैं। देखो जय श्री राम जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। तो चलते हैं अंदर की तरफ, देखो डेकोरेशन में यहाँ पर फोटो वोटो काफ़ी अच्छे से आते हैं। और वैसे तो मेरी शक्ल धोई हुई है आज, तो टीका विका काट लिया, अभी दर्शन करके आता मैं तो टीका विका पंडित जी ने काट दिया, पंडित जी भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे फ्रेंडली पंडित जी है। तो ये देखो काफ़ी अच्छा मंदिर है, मतलब दोपहर और शाम के बीच में आओ ना, सो शाम को आओ ना तो शाम को शानदार देखने को मिलेगा इधर। कुए वाले बालाजी के नाम से फेमस है ये मंदिर। काफी देर बैठा, थोड़ी देर इधर आके मन जाता, मतलब मन शांत हो जाता है। अरे यार इनकी तो तारीफ करें उतना ही कम है, मैं नेट कम चल रहा है, नेट स्लो होने की वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है। कोई नहीं चलता है इतना तो नेटवर्क, लेकिन पहाड़ों के इलाके में जाए तो बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आए। और अपन तो वैसे हाईवे पे बैठे हैं, हाईवे के अंदर यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे से पेड़ है। जंग के मैदान में किसे ने हार दी, बोलो जय श्री राम जय श्री राम। कहाँ